हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। और आज हमारे घर में प्रोग्राम है, मेरे देवर के लड़के के मुंडन है, तो आज वहाँ दिन में कीर्तन था, कीर्तन का मैं बना नहीं पाई। और अभी कथा है और बहुत सारे लोग आ रखे हैं हमारे घर में। तो चलो आज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कथा सुना देती हूँ और दिखा देती हूँ कौन कौन लोग आ रखे हैं हमारे घर में। मेहमान आ रखे हैं हमारे जवाएँ, हमारे दामाद बेटी सब आ रखे हैं, और धियाणियाँ जो भी है, मेरे ननद, जिठो, जीठ, जिठानियाँ जितने भी है सब आ रखे हैं। तो मुंडन की कथा है, कल मुंडन है, तो कल मुंडन की वीडियो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ या कहीं भी जाऊं, आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। तो चलो दिखाती हूँ आज का ब्लॉग, कथा से शुरू करते हैं, कौन कौन आ रखे सबको दिखाती हूँ। ये लोग आ रखे हैं हमारे घर में, ये है हमारी बेटी, ये हमारे दामाद। हाय कर दो। तो ये हमारे, हेलो सब्सक्राइबर्स, ये बहुत ज़्यादा देखते हैं मेरे वीडियो दामाद जी, और ये मेरे बेटे, और ये नेहा, नमस्ते। और यहाँ पर देखो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे जेठ और बैठे हुए यहाँ पे, और ये बच्चे सारे खेल रहे हैं, देखो ये मस्ती कर रहे हैं। ये मेरे मोटू है, और ये मेरे सारे जेठ और बच्चे और छोटे छोटे बच्चे सब बैठे हुए हैं, और ये यहाँ गप्पे मार रहे। चलो कथा में चल रहे, कथा में चलो, देख सकते हो कितनी मस्ती कर रहे हैं ये लोग, खेल रहे हैं यहाँ पे। अरे दोस्तों, ये सारे मेरे फ्रेंड, वो मेरे चैनल देखते हैं, जो पसंद आया उसको लाइक करो। अब मेरे को लाइक किस किस ने करा? इसको बिल्कुल लाइक मत करना, ये तो तेरी भाई, इसके घर में पूजा है। पहले बताओ मेरे को लाइक सब्सक्राइब किस किस ने करा? किस किस ने करा जल्दी बताओ, लाइक सब कर दो। लाइक करा इन्होंने, सब ने करा मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट, इन सब ने करा मुझे, और मेरी वीडियो शेयर भी करी। और यहाँ पर हमारे जेठ जी, नमस्ते, ये सब हमारे जेठ बैठे हुए यहाँ पे। हेलो हेलो, सुनो आए कदा, ये हमारी बेटी, और ये टेंट लगा हुआ है, कल का प्रोग्राम यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर देखो लगाओ टेंट यहाँ पे। तो चलो मैं पूरा पंवार निवास दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पूरा पंवार कॉलोनी है, यहाँ से शुरू हो जाती है ये और ये पूरा यहाँ तक, पूरा ये यहाँ तक, ये पूरा पंवार निवास है ये। और ये पंवार लोग हैं बिजरकोट के ही है ना, जहाँ पर कथा है वहाँ ये है जगह, ये मेरे देवर का मकान है, तो वहाँ जा रहे हो, पता नहीं। ये सब लोग कथा में बैठ चुके हैं यहाँ, ये सब, ये है हमारी रोतेली, इनकी बहन, ये मेरी ननद पीछे से, ये गांव के हैं मेरे हस्बैंड, और ये बगल में हस्बैंड के बगल फूफू, ये सब बैठे हैं। ये मेरा देवर है जिसके यहाँ प्रवेश भी है और मुंडन का भी है। यदि कृता मुच्यते मोह तक्षणोद्गम वदामि ते, भगवान ने कहा कि नारद, जिस प्रश्न को लेकर के तू यहाँ आया है, ये लोकानुग्रह कांक्षया, ये जग हित की कामना को लेकर के तू आया है, स्नेहान मया वत्स प्रकाश प्रीति गुणा, इसलिए तुझसे मेरा परम स्नेह है, इसलिए तो बता रहा हूँ जो स्वर्ग और मृत्यु इन दोनों लोकों में बड़ा दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि मेरा ही एक स्वरूप है सत्यनारायण का, जीव यदि उसका पूजन करेगा, अर्चन करेगा, तो कृपा श्रद्धा सुखम भुक्त्वा व्यक्ति तो उसको सुख की अनुभूति होगी, और जब लीला का स्मरण करेगा तो परत्र मोक्ष माप्नुयात, वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। तो
जब नारद जी ने ये भगवान ये संभाषण सुना भगवान से, तो नारद जी के अंदर कुछ प्रश्न उठे। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि किम फलम किम विधानम च कृतम केने तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। कहा कि प्रभो किम फलम, इसको करने का फल क्या है, और किम विधानम च, इसको करने का विधान क्या है, और कृतम केने तद्व्रतम, किस किस ने इस व्रत को किया है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तब तो भगवान ने सबसे पहले इस व्रत कथा का प्रभाव बताया कि जो इस व्रत कथा को करता है उसको मिलता क्या है। तो दुख दोषादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। कहा कि जिसके जीवन में दुख हैं, यदि वो उस दुख को मिटाने के लिए इस व्रत कथा को करता है तो निश्चित उसके जीवन का जो दुख है भगवान उसका निवारण करते हैं। और धन धान्य प्रवर्धनम, जिसके जीवन में धन धान्य की कमी है, यदि उस मनोकामना को लेकर के उस व्रत कथा को करता है तो भगवान उसके जीवन में खूब अन्न धन का भंडार भरते हैं। और सौभाग्य और संततिकरम, जो स्त्री अपने सुहाग को अखंड रखना चाहती है, वो यदि उस कामना को लेकर के इस व्रत कथा को करती है तो उसका सुहाग सदैव अखंड रहता है। और संततिकरम, जिसके जीवन में संतान का अभाव है, भगवान उसके जीवन में संतान का सुख भी देते हैं। तो कहा कि इस व्रत कथा को करना कब कब चाहिए, ऐसा कोई मुहूर्त, ऐसा कोई बार, ऐसा कोई नक्षत्र हो, तो भगवान कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। मेरी कथा के लिए कोई दिन नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है। जब आपके अंदर भाव जगे, जब आपके अंदर श्रद्धा जगे, बोले वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो सत्यनारायणम देवम यदेच्येव निशामुखी ब्राह्मणेर बांधवी सेवा सेतु धर्म तत्पर। तो लेकिन इसके पीछे एक एक शर्त बताए कि अकेले इस व्रत कथा को नहीं करना चाहिए। बोले ब्राह्मणेर बांधवी सेवा, ब्राह्मण भी साथ में हो और बांधव भी साथ में हो, वो तब जा करके इस व्रत कथा को करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आपके लिए प्रसाद क्या ले, तो तब भगवान ने प्रसाद की व्यवस्था बताई कि नैवेद्यम भक्त दो दद्या शपादम भक्षमुत्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्णकम अभावेशाल चूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तदा शपादम सर्वभक्षामी चेकी कृत निवेदये। भगवान ने कहा कि प्रसाद के लिए गेहूँ का चूर्ण लेकर के उसका शवाया प्रसाद बना करके मुझे अर्पित कर सकते हैं, और कदाचित गेहूँ का आटा न मिल पाए तो अभावेशाल चूर्णम वा, चावलों का जो आटा है उसका भी आप प्रसाद बना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं, और केले का फल गौगव्य लेकर के भगवान कहते हैं मुझे उसको निवेदित करना चाहिए। और ततश्चा बंधुवी सार्धम दिप्राश्च प्रतिभोजये प्रसादम भक्षेद भक्त्या नित्य गीताधिकम चरे ततश्चा स्वगृहं गच्छि सत्यनारायण स्मरन एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम। जिन बंधु बांधवों के साथ मिलकर के आप व्रत कथा को सुन रहे हैं, उनके साथ प्रसाद पा करके भगवान का नित्य गीतादि नित्य भजन करके, और स्वगृहम गच्छे, जब अपने घर को जाएं तो मन में केवल भगवान सत्यनारायण का ही चिंतन होना चाहिए। तो एवं कृते मनुष्याणाम, ऐसा जो जीव विधि विधान के साथ इस व्रत कथा को करता है, तो बोले निश्चित उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और विशेषकर इस कलिकाल में सबसे लघु उपाय ये सत्यनारायण व्रत कथा प्रत्येक मनोवांछित सिद्धि को देने वाला है। यहाँ पर प्रथम अध्याय विराम, थोड़ा हरिणाम क्या बनेंगे इसके अब, और ये बेचारा सो रहा था, ये रो रहा है अभी। पीयू टीका लगेगा ततो विराट जित विराजो अधिपूर्वक सजातो यत्पश्चात् भूमितो पुरः तस्मात् इन्द्रः सर्वतः समृतं प्रकृतः जम्मा बाल्बुल्लं भवति। भाई एक ग्राम के निकलेगा नहीं जब तक कटेगा नहीं। लली पल्ली इधर तो आओ तुम, लली सुनो, हम तो अभी था आराम से बाबा उसके बाल ना उखड़ जाए। बोल जी सुबह बोलियो ना ना बोल नहीं जा रहे हैं। यस मैं यस कर चुगली बन रही पीयूष तुम्हारी क्या मुझे आपका प्योर रूप का नींद भाग गई बिल्कुल जड़ में या पर भी कर करेंगे हम। हेलो ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। देख 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 देखो ना देख देख कोई भी खुलेगा इधर देख देख अभी स्कूल जाना थोड़ी देर में ना गाड़ी में जाना है पता सुनना रखे सब अरे घर पर जाए
घातन कर फ्रेंड क्या बोलना हमारी कथा समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे प्लास्टिक का लग रहा है, यहाँ पे छोटे बच्चे के साथ सब फोटो खींच रहे हैं क्योंकि उसका चुपली बांध दी है। साहिल